करनाल पहुंचे पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन बीजेपी पार्टी व पोते डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है, इस आंदोलन के साथ हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। जिस जात पात का जहर फैलाकर बीजेपी ने सत्ता हथियाई है, वो जात पात का जहर अब खत्म हो गया है। समाज का हर व्यक्ति इस आंदोलन में एकजुट हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज यहां करनाल में पूर्व सांसद महेंद्र सिंह लाठर के निधन उपरांत शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने बहनोई के निधन उपरांत अपने परिवार में मिलने के लिए आए हैं। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी की सरकार पर कड़े प्रहार किए। वहीं अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने सरकार को इसलिए इस्तीफा दिया है कि जनता बीजेपी से दुखी है, इन कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं रामकुमार गौतम को लेकर ओम प्रकाश चौटाला ने बयान दिया कि गौतम को दुष्यंत चौटाला दादा मानता है, चौधरी देवीलाल और मुझे तो दादा मानना ही छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ गांव गांव में रोष है, दोनों पार्टियों की भद पिट रही है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर चौटाला ने कहा कि मरना जीना किसी के हाथ में नहीं होता, किसानों की मौत कृषि कानूनों को लेकर हुई है, जेपी दलाल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश और देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, जब इस बार देश में मध्यावधि चुनाव होंगे तो इनका दिवाला पिट जाएगा। एलनाबाद और कालका के उपचुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी विजयी होंगे। इस मौके पर उनके साथ युवा इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह संधु, इनेलो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा, ओम प्रकाश सलूजा व कुलदीप मान काम्बोज के अलावा इनेलो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला महेंद्र सिंह लाठर पूर्व सांसद के घर पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत की और उनके साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं आपसे बता दूं, मीडिया से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से कृषि आंदोलन चल रहा है, बहुत लंबा वक्त हो गया, आपको नहीं लगता कि अब सरकार को मान जाना चाहिए? मैं तो मेरे बहनोई की डेथ हो गई थी, इसलिए मेरी सिस्टर को हौसला अफजाई के लिए आया। जहाँ तक आंदोलन का ताल्लुक है, ये केवल किसान आंदोलन नहीं, अब तो हर वर्ग के लोग इसके साथ जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि जात पात का जहर फैला करके बीजेपी ने जो सत्ता हथियाई है, तो जात पात का जहर अब समाप्त हो गया। अब चाहे हरिजन है, बैकवर्ड है, कर्मचारी है, व्यापारी है, दुकानदार है, कारखानेदार है, मजदूर है, किसान है, कमीर है, सब इकट्ठे हैं। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमें इसी बात की है कि आपसी प्रेम प्यार और भाईचारा नए सिरे से फिर कायम हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि जो आवाज़ है, विधायक बनाया गया था वो जनता की आवाज़ उठाने के लिए विधानसभा में बनाया गया था, इस्तीफा देने के लिए नहीं बनाया गया था। आप कहते हैं वो बीजेपी के सहयोगी हैं, वो कहते हैं आप बीजेपी के सहयोगी हैं। बीजेपी को सह शर्त इस्तीफा दिया है और ये दिया है, उनको ये बता दिया कि आज लोग आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, उन्हें इन कानून को बदल देना चाहिए, नहीं करेंगे तो लोगों ने इतना मन बना लिया है कि अब इनको सत्ता से उखाड़ फेंके। रामकुमार गौतम ने कहा है दुष्यंत चौटाला व्यापारी हैं। दुष्यंत चौटाला कहता है कि मेरा दादा ही रामकुमार है, वो देवीलाल को और मुझे दादा मानने के बजाय रामकुमार को दादा मानते हैं, और वो दादा उसका उनको छोड़ के चला गया। सर, लोगों को उम्मीदें हैं दुष्यंत चौटाला से, उम्मीदें थी कि देवीलाल जी के पोते हैं और किसानों की जो है आवाज़ उठाएंगे, तो क्या लगता है कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? मैं आपको एक बताऊं, आप एक दुष्यंत की बात मत करो जी, जेजेपी और बीजेपी इनके प्रति गांव-गांव में बोर्ड लगा दिए लोगों ने कि हमारे गांव में मत घुसो, इवन चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दे रहे, इनकी तो वो भद पिट रही है जिसका कोई। कृषि मंत्री जेपी दलाल का जो है बयान सामने आया कि 200 किसान मरे हैं, वो तो घर पर होते तब भी मर जाते हैं, हालांकि उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी है, लेकिन उनके इस बयान की निंदा होती हुई नजर आ रही है। मरना जीना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन किसान जो मरे हैं वो किसी इश्यू को लेके मरे, वो तो इस देश के अंदर जो गलत कानून बने हैं उनको समाप्त करने के लिए आंदोलन में मरे हैं। मरने को तो कोई हर एक मरता है, जो पैदा होता है उसे मरना मरना होता है, मरता है वो, लेकिन वो एक इश्यू को लेकर के मरे हैं।
इसलिए जेपी दलाल ने ये बात ठीक नहीं की। सर, सालों बाद इस तरह का आंदोलन जो है आज की पीढ़ी ने देखा है, तो लगता है कि आने वाले चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को नुकसान हो सकता है इस चीज़ का? कुछ इसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। और ये मान के चलो कि केवल हरियाणा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे देश में मध्य अवधि चुनाव फिर से हो, और अब के जब मध्य अवधि चुनाव होंगे तो इनका कतई दिवाला पिट जाएगा, इन्हें एक भी सीट नहीं। सर, जेजेपी पार्टी से जो लीडर्स हैं, करनाल से जिला प्रधान भी थे इंद्रजीत सिंह गोराया, आईटी सेल के प्रधान है, कई ऐसे लीडर्स हैं जो जेजेपी पार्टी को अब छोड़कर जो है वापस एनएलडी की तरफ जा रहे हैं या किसानों के समर्थन में? केवल जेजेपी के नहीं, बीजेपी के और दूसरी पार्टियों के, अब हर आदमी के दिमाग में एक बात बैठ गई है, और लोगों ने आंदोलन करके उनके दिमाग में एक बात बिठा दी कि यही एक पार्टी ऐसी है जो मजबूती से इस देश के लोगों के हितों की रक्षा करने में सक्षम है। हर किस्म की कुर्बानी देने का इनमें मादा है, इसलिए लोग इस कुशासन से तंग आकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल है। एलनाबाद इनेलो का गढ़ है, अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद बाई इलेक्शन होगा, तो उसको लेकर किस तरह से पार्टी तैयार है, क्योंकि कालका की सीट भी जो है खाली हो गई है, सदस्यता रद्द हुई है, दो सीटों पर चुनाव होने। अब जब भी इन दो सीटों के चुनाव होंगे, दोनों INLD के उम्मीदवार जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे, भारी वोटर्स जीतेंगे। शुक्रिया सर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस समय ओम प्रकाश चौटाला जो है करनाल, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला करनाल पहुंचे हैं। महेंद्र सिंह राठौर की डेथ के पश्चात शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एलनाबाद चुनाव और कालका चुनाव, दोनों चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीत हासिल करेगी। उनके साथ युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत संधू, ओम प्रकाश सलूजा और अन्य सक्रिय कार्यकर्ता इस टाइम उनके साथ मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़े दिनों के बाद करनाल में पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से। मैं सन्नी चौधरी, नमस्कार।